हेलो नमस्कार, वेलकम है आप सबका सतुल ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम बायोलॉजी के अंदर, जो नर्वस सिस्टम है तंत्र का तंत्र, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसके जो पहले दो सब टॉपिक्स थे, यानी कि ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, इसको हमने स्टडी कर लिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, दो टॉपिक इसके रहते हैं, कौन कौन से। पहला जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा जो है वो है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो है CNS पढ़ा था, इसके अंदर हमने ब्रेन के बारे में जाना था। तो सबसे पहले हम जो है पिछली क्लास का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, उसके जितने भाग हैं जो हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो हमने जो स्टडी किया ब्रेन के बारे में, ब्रेन इसके कितने हिस्से हैं, ब्रेन के जो है हमारे तीन हिस्से मैंने आपको बताया था, कौन कौन से। पहले बताया था फोर ब्रेन, फिर बताया था मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है इसका के दो हिस्से हैं, पहला है सेरेब्रम और जो दूसरा है वो है डाइएन्सेफेलोन। जो डाइएन्सेफेलोन वाला पार्ट है इसके अंदर जो है कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी, दो तरह की हैं। पहली है हाइपोथैलेमस और दूसरी है थैलेमस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन और मिड ब्रेन के बाद जो है वो है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर जो है तीन पार्ट मैंने आपको बताए थे, पहला कौन सा था, पहला था सेरेबेलम और दूसरा पार्ट था पोन्स और तीसरा कौन सा था, तीसरा था मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। ठीक है, तो ये जो है एक फ्लो चार्ट जो ब्रेन का है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर दो पार्ट सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलोन और इसके अंदर दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस थैलेमस। और जो हिंड ब्रेन है इसके तीन पार्ट हैं, सेरेब्रम है, पोन्स है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा है। और इनकी जो पूरी वर्किंग थी, ये किस चीज के लिए हमारी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्सिबल है, इनका क्या कार्य है, क्या फंक्शनिंग है, वो हमने जो है डिटेल के अंदर स्टडी कर लिया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और उसके बाद हम स्टडी करेंगे PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल अभी 2 मिनट के अंदर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे मेडुला ओब्लॉन्गेटा के पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ, मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा के पीछे वाले हिस्से में। जो इसके अंदर जो नर्व्स पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। क्या बोला जाता है, स्पाइनल नर्व्स, या फिर इसके अलावा सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल यानी कि केंद्रीय नाल। ठीक है, जो सेंट्रल कैनाल है ये स्पाइनल नर्व्स है, इनके अंदर एक जो है फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, उसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल। सेरिब्रोस्पाइनल नाम का एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनता है कि सेरिब्रोस्पाइनल नाम का फ्लूइड बॉडी के किस ऑर्गन में पाया जाता है, तो कहां, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो जो स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हमारे पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, हमारे पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स हमारे पूरे पूरे शरीर के अंदर, फुल बॉडी के अंदर जो है फैली हुई है। और जो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या काम करती है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस को दर्शाती है। रिफ्लेक्स एक्शंस को दर्शाती है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं कि एकदम से कोई चीज हुई तो उसके प्रति जो एकदम से अचानक कोई क्रिया करना, जैसे कि चलते चलते अचानक हमारे पैरों के नीचे कोई कील आ जाए या कांटा चुभ जाए, तो क्या होता है, एकदम विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड से पहले जो है हम अपने हाथ को या पैर को वहां से हटा लेते हैं। तो ये जो कार्य हुआ हटाने का, वो करते हैं हमारी स्पाइनल नर्व्स यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड में होती है, इन्हीं एक्टिविटीज को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। या अचानक हमारे हाथ में या पैर में कोई कांच का टुकड़ा अगर चुभ जाता है तो हम
एक सेकंड से पहले उसे निकाल देते हैं या अपने हाथ को या पैर को जो है उससे दूर कर लेते हैं। इन्हीं एक्टिविटीज को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि करती है हमारी स्पाइनल नर्व्स, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। तो ये जो एक पॉइंट्स हैं, यही है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? यानी कि पीएनएस छोटा सा टॉपिक है ये भी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम है? ये जो है हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारी पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करके रखता है। क्या है हमारे जो सीएनएस है इसको हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट करके रखता है, पूरी बॉडी के साथ जो है कनेक्ट करके रखेगा। और हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर जो है क्या है दो तरह की नर्व्स पाई जाती है। कौन सी दो तरह की नर्व्स, वो कौन कौन सी हैं? पहली जो है वो है क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स। और जो दूसरी है वो है स्पाइनल नर्व्स। इसे हम बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं या कपाल जो है नलिकाएं, और इन्हें बोलेंगे स्पाइनल नलिकाएं। जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्रैनियल नर्व्स कितने जोड़ी होती हैं? तो क्रैनियल नर्व्स होती हैं 12 जोड़ी। कितनी? 12 जोड़ी। और जो क्वेश्चन बनता है कि स्पाइनल नर्व्स कितनी जोड़ी होती है, तो ये होती है 31 जोड़ी। और जो पीएनएस होती है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये धागे नुमा संरचना होती है। कैसी? धागे नुमा संरचना यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होगी? थ्रेड लाइक। ठीक है, तो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जितने पॉइंट है यही है, आपको इनको ध्यान रखना है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका तो क्या काम है। सीएनएस जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसके हमारी पूरी बॉडी के साथ उसको कनेक्ट करके रखना। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दो तरह की जो है नलिकाएं पाई जाएंगी, दो तरह की नर्व्स पाई जाएंगी। पहली है क्रैनियल नर्व्स, दूसरी है स्पाइनल नर्व्स। जो क्रैनियल नर्व्स है ये होती है कितनी? 12 जोड़ी। जो स्पाइनल नर्व्स है ये होती है 31 जोड़ी। और जो हमारा पीएनएस है ये धागे नुमा संरचना होती है यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पीएनएस से संबंधित है। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हमारा ब्रेन का है जो कि सीएनएस में आता है। ठीक है, ब्रेन की जो एक ओवरऑल जो डायग्राम था, जो फ्लो चार्ट था, मैंने आपको भी दिखाया बना करके। तो आप सीएनएस को बिल्कुल जो है पक्का कर लेना। और जो अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता तो वो एग्जामिनर पागल होगा। ठीक है, वो हो सकता है पीएनएस में क्वेश्चन बनते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 95% चांस होते हैं कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो सीएनएस से ही बनेंगे, ब्रेन से ही बनेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास से हमारा जो नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक है, क्या कौन सा? नर्वस सिस्टम, वो हमारा कंप्लीट होता है। तो अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसे लग रही है लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी क्लासेस आए आपको वो मिल सके। और एक आपको बात बता दूं कि हमारी जो है सीटेट, एसटेट और पीएसटेट से संबंधित जो है साइकोलॉजी की क्लासेस लग रही है। इसकी साइको की और ईवीएस की एनवायरमेंटल स्टडीज, इसकी जो है सीरीज इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर कोई तैयारी कर रहा है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन क्लासेस को भी आप अटेंड कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।